नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिस विषय के बारे में हम लिखित 80% गारंटी दे रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज होता है, 80% कम नहीं होता है। बस एक स्टार यहां ऊपर लग रहा है, मतलब कंडीशन सप्लाई में बोल रहा हूं साथ में, वो ये है कि आपको आपकी चंद्र राशि कन्फर्म याद होनी चाहिए। यह कैलकुलेशन जो आज हम करने जा रहे हैं, एक 80% सटीक भविष्यवाणी का जो हम एक तरह से दावा तक करने जा रहे हैं, किस राशि के व्यक्ति को कौन सी राशि का व्यक्ति सिर्फ फायदा ही देगा, उसकी किस्मत चमका देगा, उसका भाग्य बदल देगा, उसकी तकदीर उठा के रख देगा। इतना सकारात्मक लकी चाम आपका कौन सी राशि का व्यक्ति है, आज इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठने जा रहा है। पेशेंस रखिए, कुछ लोग हो सकता है इम्पेशेंस हो रहे, अरे आचार्य जी जल्दी बताइए जल्दी बताइए। ऐसे लोगों को बोलूंगा कि सरका लीजिएगा, वीडियो स्किप कर लीजिएगा, लेकिन हमें बोलने दीजिए, आप हमें मत रोका करिए। एनीवेज, पहले इसके गहराई में आइए कि क्या वाकई ऐसा संभव है। दिस इज द मेन क्वेश्चन। बिना इसको समझे अगर आपने सुन लिया तो आपको आनंद नहीं आएगा। पहले तो यह जानना अनिवार्य है, क्या ऐसा कुछ होता भी है? द आंसर इज YES, हां ऐसा होता है। अब कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं कैसे। कोई इत्र लगाकर परफ्यूम लगाकर आपके करीब आ गया तो क्या आपके नथनों में उसकी खुशबू नहीं जाएगी? क्वेश्चन मार्क। द आंसर इज यस, जाएगी। समझिए, क्या किसी के आने से भाग्य बदल सकता है? द आंसर वॉज यस एंड द लॉजिक इज यस। खुशबू हम ना लगाए हो, आप लगा के आ गए तो हम भी महक उठेंगे। ठीक, बहुत सिंपल सा तर्क है। आपके पास रोटी नहीं है, हम मित्र बनकर आपके पास आए और हमारे पास 4-5 रोटियां हैं, तो क्या हम आपको रोटी नहीं देंगे? क्वेश्चन मार्क। द आंसर इज यस, मित्र हैं, ये कंडीशन रख दिया मैंने, तो रोटी हम देंगे। आपके बच्चे को एडमिशन के लिए फीस चाहिए और कुछ पैसे आप पर कम पड़ रहे हैं, हम आपके मित्र हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने हमें बताया कि यार ऐसे ऐसे एडमिशन करवाना था और पैसे, बोल कहाँ पहुँचवाऊँ, कौन से वाले अकाउंट में डालूँ तेरे? अच्छा बता, भाभी के अकाउंट में डाल दूँ मैं? दोस्त, किस्मत, ऐसी कौन सी राशि है जो सदैव आपके लिए आपके किस्मत को बदलने की स्थिति में रहेगी? ये हम बताने जा रहे हैं। आपको चंद्र राशि पता होना चाहिए, शर्त यही है, चंद्र राशि आपकी कुंडली का मून साइन, आपकी कुंडली का मून साइन, और नहीं तो सिम्टम से मैच कर लीजिएगा, जो हम बताने जा रहे हो मैच कर लीजिएगा। वैसे पुकारने के नाम से बहुत नजदीक नहीं पहुंचेंगे आप,
जैसे मेरा पुकारने के नाम से संतोष है तो कुंभ राशि बन जाती है, लेकिन मेरी मून साइन जो है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। तो आपको आपकी मून साइन पता हो तो ये 80% दावे वाली बात हम बताने जा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा आपके लिए आपका कौन लकी चार्म है। सबसे पहले मेष राशि, आपके लिए आपका लकी चार्म हमेशा धनु राशि का होगा। वृषभ राशि, आपके लिए आपका लकी चार्म हमेशा कन्या या मकर राशि का होगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए हमेशा इसके लिए लकी चार्म तुला या वृषभ राशि का होगा। यहां वृषभ पे थोड़ा सा आप चकराएंगे लेकिन देख लीजिएगा, नंबर एक पे तुला है मिथुन वालों के लिए लकी चार्म। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कर्क राशि, ऑलवेज यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम दिस कैप्रिकॉर्न। मकर राशि, कर्क वालों के लिए मकर वाले बिल्कुल वरदान हैं, मैं बता नहीं सकता। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मीन राशि वाले विलक्षण पैच रहेगा, विलक्षण उपलब्धियां रहेंगी। कन्या राशि, द वन एंड ओनली मकर। तुला राशि, अद्भुत स्ट्रेंज कुंभ राशि, यस, किसी के लिए नहीं खड़े होते लेकिन कुंभ राशि का व्यक्ति है उसकी कोई दोस्त है। अगर तुला की आप तुला के, आपका कोई दोस्त कुंभ है तो भाई साहब नंगे पांव बुला लो। वृश्चिक राशि, यहां पे भी थोड़ा सा ताजुब होगा। कर्क और मेष, कर्क और मेष वाले आपके लिए अद्भुत समर्पण दिखाएंगे, अट्रैक्ट भी होंगे आपसे। कर्क वाले बहुत अट्रैक्ट होते हैं वृश्चिक वालों से। धनु राशि, मेष और सिंह। मकर राशि, अद्भुत कन्या, आपके लिए कन्या वाले खड़े हो जाएंगे। कुंभ राशि, नहीं यकीन होगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, आजमा लीजिएगा। कर्क और सिंह कुंभ वालों के लिए। और मीन राशि, वृश्चिक वाले नेक्स्ट टू यू रहेंगे और कर्क वाले। तो ये हमने आज कुछ जो जानकारियां दिया है ये आपके लिए बहुत अजीब सा, बहुत ताज्जुब भरा होगा, लेकिन यस, अगर इन राशि वालों का आपके जीवन में दखल है, एग्जिस्ट करते हैं, तो आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके पास इस राशि का एक कोई मित्र है, बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मोहब्बत बनाए रखने के लिए। 22 से 28 तारीख आप हमसे गया जी में खास पितृ ऋण शांति के लिए बहुत कुछ पा सकते हैं। सीट्स बहुत कम है, 20 से ज़्यादा हम नहीं ले जाएंगे, तो 20 लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, लेट ना करिएगा, दिन बहुत कम बचा है। मैं अभी पटना जा रहा हूँ, वहाँ से गया मैं सब कुछ निर्धारित करके आऊँगा, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 तारीख तक का समय है, जल्दी कर लें। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, नंबर बताना दिनेश भाई। 9354 6192 50 250, ये लास्ट में है, याद रखिएगा। आप डायरेक्ट इस पर कॉल कर सकते हैं या जितने भी नंबर्स हैं किसी पर भी आप गया जी अनुष्ठान, गया जी पिंडदान, इतना ही लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं व्हाट्सएप है टेक्स्ट कर दीजिए, किसी भी नंबर पे। 3 नंबर चल रहे हैं रेगुलर वाले और 1 नंबर स्पेशल है। चलिए फिलहाल के लिए हमें अनुमति दीजिएगा, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मोहब्बत बनाए रखें। नमस्कार, श्री राधे।